الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم درود شریف محترم حضرات حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 16 رمضان عصر کے بعد کی درس قرآن کی مجلس میں شریک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اپنی رضا نصیب فرمائے میں نے جو سورہ شریفہ تلاوت کی سورہ اخلاص جو قرآن کریم کی بہت ہی چھوٹی سورت ہے اور انتہائی جامع سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا نسب نامہ کہا گیا سورہ اخلاص گویا اللہ کا نسب نامہ ہے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکات ملینا آپ فرماتے ہیں اگر اللہ کو اس امت کی مغفرت کرنا نہ ہوتا اگر اللہ کو اس امت کی مغفرت کرنا نہ ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص کبھی نہ دیتا آپ سوچیں ذرا کہ رمضان کا یہ مہینہ اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد یہ اللہ نے ہمیں اسی لیے دی ہے کہ اللہ ہماری کیا کرنا چاہتے ہیں بولو مغفرت کرنا چاہتے ہیں مغفرت کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو کیا کیا گیا اتارا گیا اس لئے آپ دیکھیں رمضان کو قرآن سے اور قرآن کو رمضان سے کتنی مناسبت ہے کہ جتنا قرآن رمضان میں پڑھا جاتا اتنا اور دنوں میں پڑھا جاتا مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی میں جب سے آیا ہوں الحمدللہ میں آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں اور اکثر نوجوان برابر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو قبول فرمائے اور اس کو معمولی نہ سمجھیں معمولی نہ سمجھیں ہم نے ہمارے بچپن سے دیکھا کہ جب کسی مرنے والے کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں یعنی اس کا آخری وقت ہوتا ہے تو ہم لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں ارے بھئی پڑھتے نہیں پڑھتے اچھا اس کی وجہ یہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جائے کس میں سے جی مکھن کس میں سے اربے سورت میں مکھن ملتا ہے کہ نہیں سورت میں نہ ملے تو پھر کہاں ملے گا مکھن میں سے جیسے بال نکال لیتے ہیں اچھا ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا جائے یا وہ خود ہوش و حواس میں ہے سورہ یاسین پڑھے
जैसे कल मैं हमारे हजरत की एक बात सुन रहा था, शेख तरीकत हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामत बरकातु मलैना, रात में तकरीबन 12:30 बजे हजरत का एक बयान सुन रहा था। तो हजरत फरमाते हैं कि हमारी अहलिया मोहतरमा नबीला, जब उनका इंतकाल हो गया, ये नबीला जो है पीरानी साहिबा, ये हजरत शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह की बेटी है। हजरत की दो बेटियां थी शाह साहब की, और ये दोनों बेटियां रमज़ान ही में इंतकाल कर गई, दोनों बेटियां हजरत की। तो हजरत ये नबीला जो है वो हमारे हजरत के निकाह में थी, तो पीरानी साहिबा भी है और शाह साहब की बेटी भी है। जब इंतकाल हो गया, हजरत फरमाते हैं मैं कब्रस्तान एक दिन उनकी कब्र पर गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि मिट्टी धस गई है, बैठ गई, जिसको हम बोलते हैं कि मटोरू बही गयू, तो मिट्टी धस गई थी नीचे। तो हजरत फरमाते मैं खरे खरे हैरान था कि या अल्लाह, ये मिट्टी बैठ गई, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मैं उसी फिक्र में घर आया, चारपाई में लेटा, और इसी फिक्र में मेरी आंख लग गई, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैंने ख्वाब में नबीला को देखा, बड़े आराम से बैठी है, और जिसमें इतना तरोताज़ा कि मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना तरोताज़ा था। जाहिर बात है, जब जन्नत की खिड़की खुल जाए और जन्नत की खुशबुएं आने लगे, तो उस तरोताजगी को कौन बयान कर सकता है। दुआ करे अल्लाह हम सब के साथ ऐसा अच्छा मामला फरमाए। रोजाना लोग जा रहे हैं, मैं आज आ रहा था, मैं इसी सदमे में आ रहा था कि मेरे एक खास मोहसिन, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, और वो जब से सूरत अस्पताल आए मैं रोज़ाना उनके कांटेक्ट में था, रात को भी बात हुई, आज सुबह मालूम हुआ अल्लाह को प्यारे हो गए। रोज़ाना लोग जा रहे। कल हमारी एक बड़ी बहन थी, सुबह 4 बजे बातें कर रही है और कुरान पढ़ रही है, और पढ़ते पढ़ते अल्लाह को प्यारी हो गई। कल की बात है, हमारी बड़ी बहन थी, रात को घर में सबको कह भी रही है कि अब मेरी ज़्यादा फिक्र मत करो, अब मैं रहने वाली नहीं हूँ, और सुबह 4 बजे उठ के कहती चलो सहरी कर लो, जल्दी करो। खुद ही पेशाब पानी किया, का थोड़ा पानी पिला दो, पानी पिया, उनका बेटा हाफिज है, आलिम है, करीब में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, खिदमत में था, वो खुद भी कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह को प्यारी हो गई। रोज़ाना लोग जा रहे हैं, अल्लाह इन जाने वालों की मगफिरत फरमाए, इन्हें शहादत अता फरमाए, अल्लाह हमें तंदुरुस्ती अता फरमाए। हजरत फरमाते एकदम तरोताज़ा बदन। तो मैंने पूछा कि आप तो तरोताज़ा बैठी है, मैं तो कब्रिस्तान में देख कर आया कि मट्टी धस गई, तो क्या ये मट्टी तुम्हारे कफन को नहीं लगी। हजरत फरमाते मैंने ख्वाब में पूछा, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हमने ये शेर पढ़ी तो है, सुनी तो है, लेकिन अल्लाह वाले उसका मुशाहदा करते हैं। अल्लाह वाले उसका क्या करते हैं, मुशाहदा, अपनी आंखों से देखते हैं कि जो वाकई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाए, भाई उनका कफन कभी मैला होता। हजरत फरमाते मैंने पूछा कि मट्टी ने तुम्हारे कफन को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो कहते आप फरमाते हैं कि नबीला मुझे कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ये मिट्टी हमारे कफन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और एक मरतबा नहीं, दो मरतबा का, कितनी मरतबा। हजरत फरमाते मैंने ये वाकया कभी बयान नहीं किया, लेकिन आज बात निकल गई तो मैंने बयान किया। फिर फरमाते मैंने पूछा कि नबीला क्या गुजरी, नबीला क्या गुजरी, तो कहने लगी ये जो कमरा है, अभी भी हजरत इलाहाबाद में जहाँ बैठकर मजलिस करते हैं उसके सामने एक कमरा है,
का वो नबीला का कमरा था और वो वहां बैठे बैठे यासीन पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी? और उनका जुमा का मामूल था कि जुमा को अक्सर यासीन पढ़ती थी। हजरत फरमाते मैंने जब पूछा क्या गुजरी तो कहने लगी वो जो सामने वाला कमरा है वहां से दो हैबतनाक शख्स वो मेरी तरफ आ रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी ही यासीन पढ़ के आई हूं। क्या कहा? अभी ही यासीन पढ़ के आई हूं, बस इतना कहना था कि चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आराम ही आराम है। क्या है आराम ही? ये जो हम लोग कुरान पढ़ते, इसलिए हमारे हजरत फरमाते कि कुरान सबसे बड़ा शफी है, यानी मलक मुकर्रम अल्लाह का कुर्ब पाने वाले फरिश्ते भी जब शफाअत से आजिज आ जाएंगे तो ये कुरान करीम आगे आएगा और ये कुरान कहेगा ऐ अल्लाह इसने मुझे रात के अंधेरों में भी पढ़ा है, और ऐ अल्लाह इसने मुझे दिन के उजालों में भी पढ़ा है, और ऐ अल्लाह इसने मुझे रोजे के साथ भी पढ़ा है। तो हमारे हजरत फरमाते हैं जब ये कुरान शाफी बनकर आएगा अल्लाह उसकी शफात को कबूल कर लेगा। जाहिर बात है जब कुरान ही शफी बन जाए तो उसको जन्नत में जाने से कोई रोक सकता नहीं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़ा जाए या वो खुद सूरह यासीन पढ़े तो जो मौत का फरिश्ता है वो फरिश्ता वापस अल्लाह के पास जाता है। किसके पास जाता है? अल्लाह के। ऐ अल्लाह उस तेरे मोमिन बंदे की रूह कैसे कब्ज करूं? का क्यों? का तूने सूरे यासीन के जितने फरिश्ते पैदा किए वो सारे फरिश्ते सूरे यासीन की तिलावत की बरकत से उसके आसपास आकर खड़े हो गए हैं। जब इतने सारे फरिश्ते उसकी हिफाजत को आ गए तो अब उसकी रूह कैसे कब्ज करूं? ये कौन कहता है? मौत का फरिश्ता, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता। तो अब अल्लाह ताला जन्नत के फरिश्ते रिजवान को भेजते हैं, जन्नत का फरिश्ता रिजवान जो दारोगा है उसको भेजते हैं। वो फरिश्ता आकर मरने वाले से बात करता है और उसको उसका जन्नत का ठिकाना बतलाता है कि बस ये चंद घड़ियों की देर है, अभी रूह कब्ज हुई कि तू सीधा जन्नत में। कहाँ? बोलो, जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी जन्नत, ऐसे बागात जिसके नीचे से नहरें बहती होगी, और जब जन्नती जन्नत में जाएगा तो अल्लाह फरमाते हैं अब वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम, अब जब तुम जन्नत में आ गए हो तो अब तुम्हारे लिए वो है जो तुम चाहो, यानी जो हमारा नफ्स चाहे, हमारा नफ्स चाहे। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अनवर साहब कावी दामत बरकातुम अलैना शेखुल हदीस दारुल उलूम कंठाड़िया, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, तंदुरुस्ती अता फरमाए, वो जब दर्स पढ़ाते और ये जन्नत का तस्किरा निकलता तो यूँ कान में उंगली फिराना, ये उनकी आदत है, यूँ उंगली घुमाते रहते हैं और बयान करते रहते हैं। तो बाज़ तलबा हंसी मजाक में बोलते भी है कि यहाँ से टावर मिलाते, कनेक्शन छोड़ते, किस से? बोलो, अल्लाह से। तो हजरत दर्स में बच्चों को हंसाने कभी कभी कहते, अरे भाई बाज लोग आकर पूछते हैं कि मौलाना जन्नत में हर चीज़ मिलेगी, तो हम तो दुनिया में बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, उसके बगैर चलता नहीं, इफ्तार होता नहीं कि बाहर दौड़ते नहीं, तो क्या जन्नत में मिलेगी? अल्लाह। अच्छा एक बात वैसे ही कह दूं तस्किरे के तौर पर, अगर आदमी कोशिश करके बीड़ी सिगारेट तंबाकू छोड़ सकता हो छोड़ देना चाहिए,
जायज नाजायज का मसला नहीं बयान करता। अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो मुंह में बदबू पैदा करती है, विमल, गुटखा, पड़े क्या, आदमी अगर मेहनत करके छोड़ सकता है छोड़ देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उलमा ने लिखा कि इस बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उसके पास नहीं आते। कौन नहीं आते? अच्छा, हजरत पीर जुल्फकार साहब फरमाते हैं, बाजल्ला वालों से पूछा गया कि जो बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो या ऐसी बदबूदार चीजें मुंह में रखता हो, क्या उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हो सकती है? सवाल तो समझ गए ना, क्या उसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत हो सकती है? तो हजरत फरमाते हैं, अक्सर अल्लाह वालों का ये नजरिया है कि ऐसे बदबू वाले मुंह के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नहीं हो सकती है। तो इसका कितना नुकसान है। हमारे हजरत फरमाते मौलाना अनवर साहब, भाई जन्नत में जन्नती जब जाएगा तो उसकी तमन्नाएं, उसकी ख्वाहिशात जन्नत के लायक होगी। कैसी होगी? फिर वो दुनिया की कोई चीज़ याद करेगा, वो जन्नत की नेमतें देखेगा, जन्नत की चीज़ों को देखेगा कि किसी नेमत में जवाल ही नहीं, किसी नेमत में जवाल नहीं। एक सेब है, दरख पे लगा है, बंदा तमन्ना करेगा खाना, तो वहां से आएगा, खाएगा, उसने भी खाया और जब दरख्त पर देखेगा तो वो सेब वहां भी लगा है, वहां भी लगा है। जन्नत की नेमतों में कोई जवाल नहीं। परिंदा उड़ता हुआ जा रहा, वो कोशिश कर, वो तमन्ना करेगा, तमन्ना करेगा कि काश ये परिंदा मैं खाऊं तो भुना हुआ प्लेट में तैयार है। अब वो किस किस किस्म का आएगा वो आप सूरत वाले ज्यादा समझ सकते हैं, चूंकि आपके सूरत में सब मिल रहा माशाल्लाह, लेकिन किस में तैयार होगा प्लेट? मुझे किसी ने बतलाया कि सूरत में सिर्फ आमलेट, अरे अंडा, सूरत में सिर्फ अंडे से तकरीबन 100 आइटमें बनती है। ये रमजान पहले जो सुना वो कह रहा हूं, रमजान में बढ़ गई हो पता नहीं। एक अंडे से कितने आइटम बनती, तो चिकन से पता नहीं कितना बनाते होंगे। चिकन हर घर के किचन की जीनत है, चिकन हर घर के किचन की जीनत है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। तो जन्नती परिंदा देख रहा प्लेट में तैयार है, अच्छा जब खाएगा फिर निगाह उठाएगा तो वो परिंदा हवा में उड़ रहा, वहां नेमत में जवाल। अच्छा, हमारे हजरत फरमाते हैं, हुस्न का बाजार लगेगा। किसका बाजार? हसीनों का नहीं, हसीनों का नहीं, किसका बाजार? हुस्न का, हुस्न का। तो एक जन्नती हुस्न के बाजार में जाएगा और जब हुस्न देखेगा और वो तमन्ना करेगा, आकाश मेरी नाक ऐसी बन जाए, मेरा रुखसार ऐसा बन जाए, मेरी भौं ऐसी बन जाए, मेरी पेशानी ऐसी, वो जैसे चाहता जाएगा इधर बनता जाएगा। तभी तो जन्नत है, तभी तो। एक और बात अचानक याद आई, जन्नत ऐसी जगह है कि जहां गम, दुख, टेंशन नाम की कोई चीज नहीं, कोई चीज वहां है ही नहीं। अच्छा, मुजद्दीद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कभी कभी फरमाते थे कि शफी, शफी ये जिन्होंने लिखी है, इनका नाम है मुफ्ती शफी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद गिरामी है, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह की खिदमत में रहते थे थाना भवन में। तो ये शफी लिखने वाले मारिफुल कुरान, आप फरमाते शफी मुझे कभी ये ख्याल नहीं आता कि अल्लाह मुझे जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात दे, अल्लाह मुझे जन्नत में ऊंचे ऊंचे।
हालांकि कौन है मुजद्दिद है, 100 साल में एक ऐसा आलिम दुनिया में आता है, कितने साल में 100 साल, मुजद्दिद है। लेकिन क्या फरमाते हैं, मुझे कभी ये ख्याल नहीं आता कि जन्नत में ऊंचे ऊंचे दर्जात मिले। कहा हजरत क्या फरमाते हैं, तो फरमाने लगे शफी अशरफ अली को जन्नतियों की जूती में भी जगह मिल गई तो अशरफ अली के लिए काफी है। अल्लाह हू अकबर, जन्नतियों की कहां पर जूती जगह मिल गई। तो ये मौलाना शफी साहब अदब से अर्ज करने लगे हजरत आपको अल्लाह ने जन्नतियों की जूती में जगह दे दी और आपके जो साथी है वो ऊपर चले गए, जब आप उनको ऊपर देखेंगे अपने को नीचे देखेंगे तो अफसोस नहीं होगा क्या? नहीं होगा अफसोस। तो क्या फरमाते, ओ शफी जिस जगह पर जाकर अफसोस हो उसको जन्नत कहते ही नहीं है, उसको जन्नत। वलकुम फीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दउन, जो तुमको दुनिया में वादे किए गए वो सारी नेमतें कहां मिलेगी, जन्नत। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये आज मेहमानी है तुम्हारे उस रब की तरफ से जो बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला बड़ा रहम करने वाला। खैर दारोगा रिजवान उस मरने वाले को उसका जन्नत का ठिकाना बतलाएगा, चंद घड़ियों की देर है, ये रूह कब्ज हुई अभी सीधे जन्नत, तो अब वो तमन्ना करेगा कि जल्दी से मेरी रूह कब्ज हो, फौरन उसकी रूह कब्ज हो जाएगी और रूह ऐसे कब्ज होगी जैसे मक्खन से बाल निकाल लिया, एकदम आसान मौत, आसान मौत, आसान मौत। और वो मरते ही सीधे कहां चला जाएगा, बोलो मोहब्बत से। और बरकत किसकी है, ये सूरह यासीन। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह यासीन हो सके तो जबानी याद कर लो, कैसे याद कर लो जबान। और हर मोमिन को चाहिए कि फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत करे, जो सुबह में फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ ले अल्लाह उसके लिए दिन भर रोजी को आसान कर देते, क्या कर देते, रोजी को आसान। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको इन कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि ये दर्स कुरान की मजलिस है तो मैंने कुरान के ताल्लुक से चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश की, आइंदा कल असर के बाद भी और परसों असर के बाद भी इंशाअल्लाह कुरान के ताल्लुक से, और कोशिश करूँगा कि सूरह इखलास की तफसीर हो जाए। अल्लाह ताला इन मजालिस को कबूल फरमाए। अब जो है खत्म ख्वाजगा के लिए सफ़ों की तरतीब में बैठ जाए।